सो फाइनली दोस्तों साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म है जूनियर एनटीआर दोस्तों मैन ऑफ मैसेज देवरा। जी हाँ दोस्तों, देवरा का मतलब होता है गॉड यानी कि भगवान। और वाकई में दोस्तों एनटीआर भगवान के रूप में आ चुके हैं। भाई साहब फिल्म का बजट है 300 करोड़ और अगर मैं कहूँ कि फिल्म ने 200 करोड़ पहले ही कमा ली है तो आपको बिलीव नहीं होगा ना भाई। सलार से भी बड़ी फिल्म होने वाली है, 300 करोड़ की लागत की फिल्म है और फिल्म पहले ही अपनी लागत रिकवर कर चुकी है। दोस्तों बहुत सारी अपडेट लेके आओ, टीजर कब आ रहा है, ट्रेलर कब आ रहा है, कौन कौन इस फिल्म का पार्ट होगा, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। वीडियो के अंत में बस बने रहिए, लाइक कमेंट करना अपने भाई रवि चौधरी को, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि देवरा फिल्म जूनियर एनटीआर जिसमें मेन हीरो है, इनके अपोजिट में नजर आएंगी जानवी कपूर। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ विलन कौन होगा, विलन होंगे दोस्तों सैफ अली खान। जी हाँ दोस्तों, और ये फिल्म 300 करोड़ के लागत की फिल्म है। इसको कोटाला शिवा इसके राइटर है एंड दोस्तों डायरेक्टर है, और साथ ही साथ इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो रवि है दोस्तों, रविचंद्रन करके है, जिन्होंने जवान में भी म्यूजिक दिया था अपना। आपको बता दूं ये फिल्म दोस्तों 5 अप्रैल 2024 को आ रही है और इसका टीजर 2 दिन बाद आ रहा है। जी हां, शाम को 8 जनवरी 5:04 पे टीजर आएगा और 2 मिनट यानी कि 128 सेकंड का टीजर लगभग दोस्तों बॉलीवुड, भारत, पैन इंडिया सब हिला देगा। बहुत ही फाड़ू फिल्म होने वाली है भाई। आपको बता दूं इससे पहले एनटीआर की देवरा से पहले ट्रिपल आर में रामचरण के अपोजिट में नजर आए थे और ये फिल्म दोस्तों ऑस्कर तक जा चुकी और ऑस्कर भी ले चुकी। लेकिन इस बार देखना होगा कि देवरा दोस्तों जो फिल्म है ना भाई, मैं लिटरली बता रहा हूं भाई, फाड़ के रख देगी, बॉलीवुड हिल जाएगा। जहां पर एक तरफ बॉलीवुड कमर्शियली पैसा कमाने के लिए रीमेक पे रीमेक बनाया जा रहा है, अपने पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लेके आ रहा है जस्ट फॉर द कमर्शियल पर्पस एंड जस्ट फॉर द मनी गेन। दोस्तों आपको बता दूं कि साउथ वाले अपने कंटेंट लेकर आते हैं, साउथ वाले को दोस्तों, साउथ मूवी को आज भी लोग क्यों प्यार दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के दम पर। क्योंकि साउथ वाले जो कुछ लेकर आते हैं ना, हमेशा से ही साउथ वाले टॉलीवुड वाले नई फिल्मों को लेकर आते हैं और बॉलीवुड में एक प्रचलन हमेशा से चलता आ रहा है कि बॉलीवुड वाले साउथ की फिल्मों की ही कॉपी बनाते हैं। और ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, ये सब बात आपको भी पता है। और अभी देख लो, अजय देवगन की फिल्म हो चाहे किसी भी एक्टर की फिल्म हो यार, बॉलीवुड के अंदर हमेशा रीमेक की फिल्में बनती है। लेकिन मैं बात करूं एनटीआर की, ट्रिपल आर की, सलार की, केजीएफ, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी फिल्में टॉलीवुड वालों ने दी है। हालांकि हम इसको इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा का नाम दे रहे हैं और ऑफकोर्स यार ये भारतीय सिनेमा बन चुका है। क्योंकि देखो यार, अभी आपको बता दूं कि बॉलीवुड से भी कुछ लोग हायर किए जा रहे हैं, टॉलीवुड से भी कुछ लोग हायर किए जा रहे हैं और एक पैन इंडिया थिएटिकल रिलीज फिल्म बनाई जा रही है कमर्शली। ऑफकोर्स यार पैसा बनाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि करोड़ रुपया कमाया जा सके। हालांकि फिल्म 300 करोड़ की लागत की है और 200 करोड़ कैसे कमाई इस फिल्म ने अपने प्री रिलीज प्रॉफिट से दोस्तों, तो आपको बता दूं कि म्यूजिक के राइट टी सीरीज ने खरीद ली है लगभग 35 करोड़ में। आपको बता दूं कि प्रोड्यूसर डिमांड कर रहे हैं ओवरसीज में रिलीज होने के लिए, पहले से ही ओवरसीज के जो राइट है थिएटिकल राइट वो भी 35 से 40 करोड़ में बेच रहे हैं और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स को डिजिटल राइट दिया जा रहा है, यानी कि नेटफ्लिक्स इसका डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर होगा जो कि लगभग 100 करोड़ की लागत की जो कॉस्ट है वो नेटफ्लिक्स से रिकवर करेगी ये अपना प्रोड्यूसर देवरा का। तो आप खुद लगा लो मोटा मोटा 200 करोड़ के आसपास तो राइट से अभी कमा लिए हैं और 300 में से 200 चलेगा, 100 करोड़ बच गया। अरे भैया 100 करोड़ तो फिल्म जिस दिन रिलीज होगी ना 2 दिन में कमा लेगी। और आप खुद सोचो भाई, बाकी फिल्म कमर्शियली ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, अभी से हो चुकी है भाई। साथ ही साथ बुक माई शो पे अभी से ही लगभग 41,900 का हिट इंटरेस्ट हो चुका है। और आपको बता दूं कि भाई सैफ अली खान इसमें मेन विलन है। अब इसमें देखना होगा दोस्तों, आदि पुरुष में सैफ अली खान हालांकि मेन विलन बने थे, हालांकि फिल्म दोस्तों कंट्रोवर्सी में घिरी, बट ठीक है यार, अभी सैफ अली खान की एक्टिंग की तारीफ की गई आदि पुरुष में। और ऑफकोर्स यार एनटीआर के अपोजिट में सैफ अली खान वाकई में एक बेस्ट चॉइस है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि एनटीआर जो है वॉर 2 में नजर आएंगे ऋतिक रोशन के अपोजिट में एज ए विलन दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों एनटीआर का ऑफकोर्स यार फैंस लोग दे आर क्रेजी एंड इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो सुधार कर दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस फिल्म का इंतजार हम सबको है। यह फिल्म का टीजर जो है मैंने बताया था कि 5:04 पे 8 जनवरी को आ रहा है, 2 दिन बाद
टीजर क्या खास बात होगी? तो दोस्तों टीजर में खास बात ये होगी कि इसमें पहले तो इसका मोशन पोस्टर आया था जिसके अंदर एक लुक दिखाया गया था देवरा का, जिस उनके हाथ में वो किसी नदी के किनारे खड़े थे बोट के पास, और हाथ में दोस्तों क्या बोलते हैं वो शिप के हुक नहीं होता दोस्तों, वो हथियार लेके वो बंदा खड़ा हुआ एनटीआर। आपको बता दूं कि भाई इस फिल्म में आपने उम्मीद नहीं की होगी इतना एक्शन है, भर भर के एक्शन होने वाला है। मतलब यार साउथ फिल्मों में चलती इसीलिए है, उसमें एक्शन होता है, मतलब स्टोरी होती है, कंटेंट होता है, डायरेक्शंस होता है, ग्रेडिंग होती है, कलर डबिंग होती है, 5 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म है दोस्तों, पूरे भारत में, पूरे ओवरसीज में। इस फिल्म के टीजर की खास बात यही होगी दोस्तों, जब ये टीजर आएगा आपको इसमें एक बेहतर लुक मिलेगा एनटीआर का, एक मास एक्शन देखने को मिलेगा ट्रिपल आर से ज्यादा, और शायद इसमें जानवी कपूर और सैफ अली खान का भी एक लुक है इस 2 मिनट के टीजर में देखने को मिल सकता है, और इसमें एक फिल्म का पूरा झलक दिखाया जाएगा कि फिल्म किस लेवल की होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों टी सीरीज इस फिल्म के राइट अगर खरीद रही है तो डेफिनेटली इस फिल्म का क्या बोलते हैं रिकवरी जो है बहुत ज्यादा होने वाला है, तभी टी सीरीज ने इसके राइट को खरीदे हैं। हालांकि फिल्म दोस्तों रिलीज होगी 5 अप्रैल को, और आपको बता दूं कि वैसे तो कोई हॉलीडे नहीं है, लेकिन दोस्तों अप्रैल में ये फिल्म ऐसे कोई अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि किसके साथ क्लैश होगी, सोलो रिलीज होगी, स्क्रीन भी तगड़े मिलेंगे इस फिल्म को। एंड क्या लगता है दोस्तों, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पहले दिन की ओपनिंग ना, आजकल साउथ की फिल्म में फर्स्ट डे की ओपनिंग कम से कम भी 60-70-80 करोड़ तो कमा ही रही है बड़े स्टार की, तो अगर मैं इस फिल्म का फर्स्ट डे का ओपनिंग करूं तो कम से कम इस फिल्म में 55-60 करोड़ की ओपनिंग आराम से ले लेगी। अगर नॉर्थ में स्क्रीन्स और सोलो रिलीज हो गई तो ये फिल्म 80 करोड़ की ओपनिंग भी ले सकती है बहुत बड़े बजट की। इसके साथ साथ दोस्तों ट्रेलर जो है वो अप्रैल के लगभग 20 दिन पहले आएगा, ऑलमोस्ट 21 मार्च 22 के आसपास इसका ट्रेलर आएगा, और प्रमोशन भी दोस्तों 1 मार्च से ही ज्यादा स्टार्ट की जाएगी, अभी तो सिर्फ टीजर आ रहा है। तो वेल दोस्तों टीजर के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके बताओ, क्या लगता है दोस्तों कितने ज्यादा आपको क्या लगता है कि देवरा फिल्म क्या 1000 करोड़ पार कर पाएगी? सलार तो दोस्तों अभी 700 करोड़ के ऑलमोस्ट आसपास पहुंची है, क्या देवरा 500 करोड़ के क्लब या 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो पाएगी? क्या लगता है दोस्तों कमेंट करके बताओ। जय हिंद जय भारत, और आर यू एक्साइटेड टू वॉच देवरा दोस्तों? जय हिंद जय भारत, और इसी तरह प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।